मित्रों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी आदतन झूठ बोलने वाले राजनेता हैं। वो झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं और बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। आज उनके एक झूठ का मैं यहां पर्दाफाश कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो मध्य प्रदेश की कई सभाओं में राहुल जी ने जनता को यह कहा था, किसानों को, कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। एक नहीं, अनेकों सभा में बोला था और वो वीडियो क्लिप भी 30 सेकंड की मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लाइट ऑफ कर। पंजाब में मैंने कहा वहां कर दिया, मध्य प्रदेश के किसानों आप अच्छी तरह समझो और सुनो, मैं झूठे वादे नहीं करता। चुनाव के 10 दिन बाद आप 10 गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करेगा। और अगर बहाने बनाएगा तो नहीं करना चाहेगा तो फिर कांग्रेस का दूसरा चीफ मिनिस्टर कर्जा माफ करेगा। और आप वो बहाने बना रहे हैं। एक और। हाँ। 11 दिन नहीं, 10। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आप 10 गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जैसे ही हमारी सरकारें आए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कमल जी अच्छी से एक शब्द में बोल, 6 घंटे के अंदर जी ने जो वायदा किया था, हमने जो वायदा किया था वो हमने पूरा किया। मित्रों, कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, ये उसका उदाहरण है। 104 दिन हो गए मध्य प्रदेश में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, और 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात थी। इस हिसाब से अब तक कम से कम 10 मुख्यमंत्री बदल दिए जाने चाहिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदले गए। मैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसका उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। आचार संहिता जिस दिन लग रही थी, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था 5 बजे, इतनी जल्दी में थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कि 1 बजे ही मोबाइल मैसेज आ गए किसानों के मोबाइल पे, नाम सहित लाखों ऐसे मैसेज गए। और इनमें लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। दीपक जी, जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आपका आवेदन मिला है, लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण आपकी ऋण माफी अभी स्वीकृत नहीं हो पाई है, चुनाव के बाद शीघ्र स्वीकृत की जाएगी। एक तरह ऐसे लाखों किसानों को अलग अलग मोबाइल पे मैसेज गए, SMS किए गए। एक तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 घंटे में कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे हैं, और उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री किसानों को मध्य प्रदेश में ये मैसेज कर रहे हैं
कि आचार संहिता लग गई, अब चुनाव के बाद किया जाएगा। जैसे इंतजार ही कर रहे थे कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो जान छूटे और चुनाव के बाद देखा जाए। मित्रों, एक और बड़ा झूठ आप सब जानते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मैनुअल में पेज नंबर 272 पर, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूं, ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी ऐसी योजना जो पहले से चल रही हो, ऑनगोइंग स्कीम हो, जिसमें बेनिफिशरीज की पहचान कर ली गई हो, उसको आचार संहिता के दौरान निरंतर जारी रखा जा सकता है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा तो जा रहा है, तो किसानों की कर्ज माफी का पैसा क्यों नहीं जा सकता खाते में? ये एक और झूठ, ये धोखा देने का काम मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने किया है। मित्रों, कर्जा माफ होना था 48,000 करोड़ रुपए का, और बजट में प्रावधान किया केवल 5,000 करोड़ रुपया। मैं आज 1 अप्रैल तक, मैं आपको बताना चाहता हूं, बजट में 5,000 करोड़ रुपया फरवरी में प्रावधान किया, 2 महीने हो गए, बैंकों के पास अभी कितना पैसा गया है? सहकारी बैंकों के अकाउंट में 600 करोड़ रुपया गया है और बाकी बैंकों के अकाउंट में 700 करोड़, कुल 1300 करोड़ रुपया। 48,000 करोड़ रुपया में 5,000 करोड़ रुपये बजट में स्वीकृत किए, 1300 करोड़ रुपया केवल बैंकों को दिया। अब पैसे ना ढेला, सूरज कुंड का मेला, कर्जा कहाँ से माफ होगा? और इसलिए अब बैंक किसानों को नोटिस थमा रहे हैं। ये नोटिस है जो बैंक किसानों को दे रहे हैं और जिसमें किसानों से वो कह रहे हैं कि कर्ज तत्काल, आपके ऊपर इतना कर्ज है, ये कर्ज जमा करो। कुछ बैंकों ने नीचे लाइन लिख रखी है कि कर्ज कर्ज है, दान नहीं, उसे चुकाना ही पड़ेगा। अब किसानों के पास ये नोटिस जा रहे हैं। मित्रों, कई किसान ऐसे जिन्होंने बैंकों की किस्त चुकाना बंद कर दी। अब 1 अप्रैल को वैसे भी अप्रैल फूल बनाने की परंपरा रही है, लेकिन किसानों को जैसा फूल बनाया गया है मध्य प्रदेश में, और केवल मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, वहाँ भी यही हालत है। और कर्ज माफी के नाम पर सरकार ने बाकी सब विकास के काम भी रोक दिए, यहाँ तक कि गरीबों की जो संबल योजना थी मध्य प्रदेश में जो हमने प्रारंभ की थी, उसको भी रोक दिया। और कांग्रेस वचन पत्र में पूरे किए गए बिंदु दिखा रही है और बेशर्मी के साथ, मैंने कहा बेशर्म झूठ कैसे बोला जाता है, इसका उदाहरण है, लिखा जा रहा है जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत 55 लाख किसानों के 2 लाख रुपए तक के 50,000 करोड़ रुपए के फसल ऋण माफ। ये दावा कांग्रेस की सरकार कर रही है, और जिनकी माफी हुई वो भी बेहाल है। जिनको सर्टिफिकेट दिए गए, कर्जा है 1 लाख, यह अजय सिंह किसान है, माफ किए 1,042 रुपया, किसी के माफ किए 1,976 रुपया। अब जो दिए हैं कर्ज मुक्ति के प्रमाण पत्र, वो भी ऐसे दिए हैं कि किसान से ना तो हंसते बन रहा है और ना रोते बन रहा है। अभी अभी कल ही एक किसान है, ऐसे अनेकों किसान उदाहरण हैं, अजय रघुवंशी हैं, राजकुमार हैं, विदिशा के पुष्पेंद्र हैं, अनेकों किसान हैं जिनके मैं उदाहरण दे सकता हूं। 2 लाख के स्थान पर किसी के 700, किसी के 500, किसी के 100, किसी के 300 रुपया केवल माफ किए गए हैं। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए और कर्जा भी पूरा माफ नहीं किया। अब बैंकों के नोटिस मिल रहे हैं। कल ही एक किसान ने, उज्जैन जिले के महितपुर के मूड़ला सोदिया गांव के किसान ने, रतनलाल ने, कर्ज माफी ना होने के कारण फांसी लगाकर खेत में पेड़ पर आत्महत्या की है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इतनी बेशर्मी से झूठ तो ना बोले। कर्ज माफी का उनका वादा पूरा नहीं हुआ, किसान बेहाल और परेशान है, और एक झूठ बोलकर जो पूरा नहीं किया जा सका, अब दूसरा झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब वो गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं,
जैसा किसान के कर्ज माफी के वादे का हश्र हुआ, वैसे ही गरीबों को न्याय देने वाले वादे का हश्र होने वाला है। जनता को कांग्रेस और राहुल गांधी गुमराह ना करें, और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं दिल्ली में भी प्रेस के सामने ये बात रखूंगा और कर्ज माफी का सच पूरे देश को बताऊंगा। कोई प्रश्न? धन्यवाद। एक मिनट भाई, हिमांशु रिपब्लिक। देखिए, मैं दोनों चीज़ कहता हूँ। हिंदू टेररिज्म जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। लेकिन केवल हिंदू टेररिज्म का सवाल नहीं है, उस पर तो वो झूठ बोले ही, कोर्ट के फैसले से ये सत्य सिद्ध हो गया। लेकिन राहुल जी तो कभी कलावती पे झूठ बोलते हैं, कभी भट्टा परसोल पे झूठ बोलते हैं, कभी किसानों पे झूठ बोलते हैं, कभी रफेल पे झूठ बोलते हैं। आदतन झूठे हैं वो, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। अभी तो जनता के बीच वो जाएंगे। हम एक प्रदर्शन पूरे प्रदेश में कर चुके हैं कि कर्ज माफी आप नहीं कर रहे, कर्ज माफ कीजिए। अभी तो हम सीधे जनता की अदालत में जाएंगे। राहुल गांधी से जरूर हम कहेंगे कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, अब निभाओ। आपने कहा था कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा, तो उनके इस्तीफा देने की बात मैं नहीं करूंगा, ये इस्तीफा लें। कमलेश, देखिए, उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ करने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी बात रखी है, कर्ज माफ हुआ। ये तो मैं उदाहरण सहित आपके सामने आया हूं लेके कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी का असर क्या हुआ है। अंकित, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के झूठ के चक्कर में कोई ना आए, पहले जो कहा वो पूरा नहीं किया। इसका अर्थ यही है कि अब फिर वो जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, और इसलिए मेरा ये जरूरी था कि मैं सच को उजागर करूं। एक मिनट अमित, डर का सवाल नहीं है ना परेशानी का कारण है। हम लोग तो आत्मविश्वास से भरे हैं। लोकसभा के चुनाव का परिदृश्य मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल अलग होगा, और इस झूठ की सजा कांग्रेस को हम मिलेगी। लेकिन ये झूठ उजागर हो ताकि कोई और गुमराह ना हो, ये जरूरी था। विकास भदौरिया, विकास। अब ये पहले दिन भी जब चुनाव के परिणाम आए थे तो हम भी कोशिश कर सकते थे सरकार बनाने की, लेकिन 114 नंबर उनका था, 109 हमारा था, और इसलिए हमको लगा कि अवसर उनको मिलना चाहिए सरकार बनाने का। अब मौका उन्हें दिया, बाकी तो लोकसभा में जनता गिराएगी, और बाद में क्या हश्र होना है वो उनके अंतर्विरोध बताएंगे, हम तो कुछ नहीं कहते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र सामने आएगा तब कृषि सहित, क्योंकि जो किसानों के लिए संकल्प पत्र बनाना था उस समिति में मैं भी था, तो हम लोग अपना सकारात्मक जो एजेंडा है किसानों के लिए, किसानों की आय दुगना करने का, वो समय आएगा, वो हम लेके जाएंगे, लेकिन इनके झूठ को भी हम उजागर करेंगे। विनीत,
इस पे मुझे अभी कोई कमेंट नहीं करना, मैं कर्ज माफी पे बात। यतीन्द्र, इंडिया न्यूज। देखिए अभी तो वो बागडोर संभाले हुए, लोकसभा में मैं ज़रूर ये कहता हूँ, मैं जाता हूँ जनता के बीच में तो जनता कहीं ना कहीं अफसोस प्रकट करती है, और मैं तो मजाक में पूछता भी हूँ हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, तो वो कहते हैं 2 लाख के चक्कर में आ गए थे मामा, चिंता मत करो लोकसभा में निपट लेंगे। अब देवेंद्र परासर। कमलनाथ जी की बात में कितना दम है ये अच्छी तरह आप जानते हैं। अनामिका रत्ना। हमको गिराना होता तो हम बनने नहीं देते। रुक जाओ, आदित्य टाइम्स नाउ। अब मेरी जानकारी नहीं है इसलिए मैं इस पे बिना जानकारी के कमेंट कर नहीं। विपिन पांडे। अभी पिछले महीने 9 तारीख को, इसी महीने मार्च में 9 तारीख को हमने प्रदर्शन किए हैं पूरे प्रदेश में, सभी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे उन पर। अब आगे अभी तो जनता की अदालत में जाएंगे हम। गौरव एएनआई। नहीं, कोई सफाई की जरूरत नहीं, अध्यक्ष जी तय करेंगे। प्रज्ञा। सर, क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? सचिन। मैंने तो व्यक्तिगत देखिए हमारे सारे अधिकार पार्टी के पास सुरक्षित हैं। मैंने पहले जरूर ये कहा था कि मेरी इच्छा मध्य प्रदेश में ही काम करने की, पार्टी जो आदेश देगी स्वीकार करेंगे। सचिन। इकरार भी नहीं, इनकार भी नहीं लेकिन मैं मध्य प्रदेश में काम करना चाहता हूँ। सचिन। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना बंद कर दी उन्होंने, हम जो हमारी बहनें के लिए एक योजना बनाई थी, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 रुपये हम देते थे ताकि पोषण आहार ठीक से मिल सके, वो बंद कर दी। कई जगह बच्चों की फीस बंद कर दी, यहाँ तक कि हम एक्सीडेंट में अगर गरीब परिवारों में मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपये और सामान्य मृत्यु हो तो 2 लाख रुपया देते थे, वो बंद कर दिए। अंतिम संस्कार के लिए गरीबों के 5,000 रुपया दिए जाते थे, वो बंद कर दिए। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं बंद की है, विकास के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। आप अंतिम सवाल है। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सहित कुछ कांग्रेस शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में जाए उनको क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन वो सूची तक नहीं भेज रहे। अभी तक तो जो दिए है वही किसान के खाते में ना पहुँच जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं, बाकी संकल्प पत्र में जो जरूरी होगा आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।